तो गाइस ये है वेब डेवलपमेंट सीरीज का वीडियो नंबर 10 जो कि हमारा आखिरी एपिसोड है इस पूरी सीरीज का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा जो हमने वेबसाइट बनाई है एसईओ भी कर लिया। भैया ये क्लाउडफ्लेयर क्या होता है, इसको यूज करके हम हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी कैसे बढ़ा सकते हैं और इवन हमारी वेबसाइट HTTP से HTTPS में फ्री में कैसे कन्वर्ट हो जाएगी। सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वॉचिंग सिडटॉक। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है इस पूरी सीरीज में अपन ने यही वेबसाइट बनाई है sidtalk.in, जिसका डोमेन जो है हमने GoDaddy से बाय किया है और होस्टिंग जो है वो बिग रॉक पे है। अब मैं आपको बताता हूं, आप डोमेन और होस्टिंग के बीच में एक नई सर्विस ऐड कर सकते हो जिसका नाम है क्लाउडफ्लेयर। तो ये अगर आप आपकी वेबसाइट पे यूज करते हो तो आपका सारा ट्रैफिक पहले डोमेन से जाएगा इसी के पास, क्लाउडफ्लेयर के पास, उसके बाद यहां से वो कनेक्ट होगा आपकी होस्टिंग में। मतलब घुमा फिरा के आपके डोमेन और होस्टिंग के बीच में आप एक सर्विस यूज करोगे जिसको आप बोल सकते हो DNS मैनेजमेंट कर सकता है, CDN बना सकता है, आपकी सारी फाइलें जो है वो इसके सर्वर पर होस्ट कर देगा और कैचिंग सिस्टम बना देगा। देखो होता क्या है, अगर कोई भी हमारी वेबसाइट विजिट करता है, कोई विजिटर है या कोई भी है, तो डायरेक्ट अगर हमारी साइट पे आता है तो डायरेक्टली वो कनेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप क्लाउड फ्लेयर यूज करोगे तो सारी चीजें पहले जाएंगी क्लाउड फ्लेयर के सर्वर पे, फिर इसका सर्वर आपके सर्वर पे कनेक्ट करेगा, तो आपके वेबसाइट की जो रियल IP है वो किसी को नहीं दिखेगी। जितना ट्रैफिक आ रहा है, अगर कोई अटैक होता है या कुछ भी होता है, तो पहले क्लाउड फ्लेयर के सर्वर पे जाएगा और इसके सर्वर से बैकएंड में ये अपने ओरिजिनल सर्वर पे जो है वो कनेक्शन मैनेज करेगा। यहीं से फाइल यहां आएगी, फिर यहां से वो सब लोगों को पहुंचाएगा। देखो होता क्या है, क्लाउड फ्लेयर जो है इनने अलग अलग इनके डेटा सेंटर्स बनाए हुए हैं। मान लो आपका सर्वर जो है वो USA में है और आप इंडिया में हो और आपकी जो साइट है वो इंडिया में ज्यादा चलते हैं, तो अगर आपने क्लाउड फ्लेयर लगा लिया आपकी वेबसाइट में तो वो ट्रैफिक मुंबई के रीजन से ये लोग कैचिंग कर लेंगे। तो आपकी बहुत सारी फाइलें HTML की, CSS की, इन सबका एक CDN बन जाएगा, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो होगा क्या, इनके जो मुंबई ऑफिस में जो इनके पास जो डेटा सेंटर है वहीं से रिक्वेस्ट डायरेक्ट चली जाएगी, आपके सर्वर तक रिक्वेस्ट आने ही नहीं देगा। और अगर ऐसी चीजें हैं, डायनेमिक चीजें PHP वाली या कुछ ऐसी चीजें जो उसने कैच बना के नहीं रखा है, तो वो सारी फिर रिक्वेस्ट USA के सर्वर पे क्लाउड फ्लेयर के मुंबई वाले कनेक्शन से जाएगा और पूरे इंडिया में जहां भी जो भी लोग यूज कर रहे हैं वहां पे पूरा कनेक्शन इसके मुंबई वाले डेटा सेंटर से बनेगा। तो इस हिसाब से इसने जियोग्राफिकल तरीके से अलग अलग डेटा सेंटर्स बना के रखे, तो इस हिसाब से जो भी जिस भी लोकेशन पर रहता है उस हिसाब से उसके पास वाले सर्वर से कनेक्शन बना लेता है, तो स्पीड बढ़ जाती है। फिर उसका मेन सर्वर जो है वो आपके सर्वर को कनेक्ट करता है, तो यहां पे लेटेसी कम हो जाती है, मतलब जो पिंग टाइम आता है वो कम हो जाता है। तो भैया घुमा फिरा के बोले तो आपकी वेबसाइट के बीच में अगर आप क्लाउड फ्लेयर लगाते हो, और ये पूरी सर्विस फ्री है, मतलब हर वेबसाइट वाले को ये यूज करना चाहिए क्योंकि सारी चीजें फ्री है, तो इससे होगा क्या कि आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाएगी, सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, और बार बार ये नेम सर्वर चेंज करने के लिए आपको जो वेट करना पड़ता है, अगर आपने होस्टिंग चेंज करी है तो नेम सर्वर चेंज करोगे तो 2 दिन लगते हैं, वो सब जो है 1 सेकंड में हो जाएगा। अगर आप होस्टिंग चेंज करते हो तो नेम सर्वर यहां पे चेंज करना है आपको, बस इसके नेम सर्वर उठा के पटकना है आपको यहां पे, जहां पे आपने अभी बिग रॉक का रखा है, और ये सारी सेटिंग अपन यूज करेंगे यहां पे। सो भैया अगर आप 10-15 वेबसाइट चलाते हो तो आप अगर क्लाउड फ्लेयर यूज करते हो तो सारी वेबसाइट आप यहीं से मैनेज कर सकते हो, बस एक एक बार आपको नेम सर्वर क्लाउड फ्लेयर का लगाना है आपके डोमेन्स में, और सारे डोमेन की चीजें, होस्टिंग की चीजें जो है आप एक ही अकाउंट से सारे डोमेन मैनेज कर सकते हो। तो एक तरह से बोल सकते हो DNS मैनेजमेंट भी है, उसके बाद HTTP वाली साइटों को HTTPS में कन्वर्ट भी कर देता है फ्री में, उसके साथ आपको बहुत सिक्योरिटी भी देगा, CDN भी देगा, आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाएगी, बहुत सारा कंप्रेशन इसके लेवल पे करता है, और ये सारी चीजें फ्री करता है फ्री वाले प्लान में। लेकिन अगर आपकी बड़ी साइट है तो आप फिर उनको पैसा दे सकते हो। तो अब अपन समझते हैं क्लाउड फ्लेयर का अकाउंट बनाना कैसे है और हमारी किसी भी प्री एग्जिस्टिंग साइट में इसको जो है वो अप्लाई कैसे करना है और इसका फायदा हमको उठाना कैसे है। सो गाइस, यहां पे आप इनकी वेबसाइट पे आओगे cloudflare.com, यहां पे साइन अप का बटन आएगा, यहां पे आप क्लिक करिए, उसके बाद ये पूरा फॉर्म आएगा। तो सबसे पहले ये वाला फॉर्म फिलअप कर दीजिए ताकि आपका एक अकाउंट बन जाए। तो फटाफट ये चीज मैं आपके लिए कर देता हूं। सो गाइस, जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करेंगे आपके पास एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे बताएंगे कुछ इन्हें चेंजेस करें, उसको आप क्लोज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आएगा ऐड अ साइट। सो यहाँ पे आपकी वेबसाइट पूछेगा जो आपको लगाना है क्लाउड फ्लेयर के अंदर, तो अपन ये वाली वेबसाइट लगाएंगे जो अभी डायरेक्टली जा रही है डोमेन, मतलब GoDaddy से रिक्वेस्ट सीधे बिग रॉक के सर्वर में। अब यहाँ पे अपन ये वेबसाइट लगाते हैं, यहाँ पे करने के बाद ऐड साइट का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो अब ये क्या करेगा, आपकी वेबसाइट के अंदर अभी क्या DNS रिकॉर्ड्स हैं, क्या अभी इसका एग्जिस्टिंग नेम सर्वर है, ये कौन से सर्वर से कनेक्टेड है, तो वो सारी डिटेल खुद ही स्कैन करके लेके आएगा। आपको बस नेक्स्ट करना है। ऑटोमेटिकली अभी पूछेगा भैया प्लान कौन सा चाहिए, तो बिल्कुल फ्री वाला प्लान यूज करिए, उसमें आपको ग्लोबल CDN मिल जाएगा, उसके बाद आपको DDoS अटैक के अंदर भी चीजें मिलेंगी, फ्री शेयर्ड SSL सर्टिफिकेट मिलेगा, आपकी HTTP वाली साइटें HTTPS में कन्वर्ट हो जाएंगी फ्री में, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस इसको चुपचाप यहां पे साइड ऐड करना है। तो यहां पे क्लिक करिए, उसके बाद कंफर्म प्लान पे क्लिक करिए। अब यहां पे आप परचेज दबा दीजिए, अभी ऑटोमेटिकली आपका प्लान जो है यहां पे परचेज हो जाएगा। तो अब ये क्या करेगा, 60 सेकंड्स लेगा, तो यहां पे आपके पुराने डोमेन की सारी सेटिंग लेके आएगा। तो देखो नीचे लेके आ गया, इसके अंदर ये सारी चीजें भी बनी हुई है।
तो पुराने वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें समझाई हैं, ये रिकॉर्ड क्या होता है क्या नहीं होता है। तो घुमा फिरा के बात ये है कि यहाँ पे जो जो आप आगे दिख रहे हो SidTalk.in, लोकल होस्ट, FTP, ये सब अगर मेरे डोमेन पे यूज़ होता है तो अभी इस सर्वर की IP पे चीज़ें जा रही हैं। जो ये सर्वर की IP है बिगरॉक के सर्वर की IP है, तो अगर कोई भी अभी इसको पिंग करेगा तो यही सर्वर की IP मिलेगी। सो गाइस, जैसे मैंने यहाँ पे पिंग किया कि मेरा ये जो सर्वर है इसकी अभी IP क्या है, तो अभी यही IP आ रही है। और ये जो IP है ये अभी बिगरॉक के सर्वर की, तो कोई भी अभी पता लगा सकता है आपने सर्वर लिया कौन सी कंपनी से। लेकिन अब अपन जब CloudFlare लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी। तो देखो यहां पे जो है, यहां पे अलग अलग चीजें आएंगी। सो गाइस, यहां पे आप देखोगे तो यहां पे आपको क्लाउड्स दिखेंगे। इन सबको आप ऑन कर दोगे तो अब जितनी रिक्वेस्टें आएंगी सब CloudFlare के थ्रू जाएंगी और आपकी रियल जो IP है वो यहां पे यूज नहीं होगी। तो ये सब करने के बाद आपको यहां करना है कंटिन्यू। यहां पे आप कंटिन्यू करेंगे तो अब ये बोलेगा, भैया आपने जो अभी नेम सर्वर लगाया है वो बिगरॉक का है, तो कृपया करके मैं जो आपको नेम सर्वर दे रहा हूं वो आप लगा दीजिए, ताकि आपके डोमेन से कोई भी रिक्वेस्ट आए तो वो पहले मेरे सर्वर पे आए, फिर मैं डिसाइड करूं इसको लेके कहां पे जाना है। तो यहां पे कॉपी कर लीजिए, नेम सर्वर की चेंज सेटिंग में जाके ये दोनों नेम सर्वर यहां पे अप्लाई कर दीजिए। तो अब होगा क्या कि सारी सेटिंग्स अब जो है घूम फिर के आ जाएंगे हमारे CloudFlare के अकाउंट में। उसके बाद हम इसको ये बताएंगे कि अब इसको कौन से होस्टिंग पे ले जाना है, क्या करना है। सो गाइस, डोमेन पे जाके ये नेम सर्वर चेंज करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताएगा अभी आपकी वेबसाइट के जो स्टेटस है वो एक्टिव नहीं हुआ है। तो भैया यहाँ पे लगते हैं 24 से 48 आवर्स सारे DNS रिकॉर्ड में ये चेंज होने में आपके डोमेन के लिए। तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ DNS का, ऊपर मैं लिंक दे दूंगा, वो भी देख लीजिए कैसे काम करता है। तो क्या होता है, अगर हमको हमारी होस्टिंग सर्वर चेंज करना है तो हर बार हमको यहाँ पे नेम सर्वर चेंज करना पड़ेगा और 24 से 48 आवर्स का डाउन टाइम आ जाएगा हमारी वेबसाइट में। लेकिन एक बार अगर ये हो गया CloudFlare का तो यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर आप होस्टिंग सर्वर चेंज कर सकते। तो यहाँ पे आपको रीचेक करना पड़ेगा नेम सर्वर, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में 48 आवर लग सकते हैं, क्योंकि ये पता लगाएगा कि आपने जो नेम सर्वर चेंज किए हैं वो हुए हैं कि नहीं सारे DNS रिकॉर्ड के सर्वर्स में। सो गाइस, 2 से 3 घंटे लगेंगे आपकी वेबसाइट को यहां पे स्टेटस एक्टिव दिखाने में, तो आपको थोड़ा वेट करना है। उसके बाद ही जब यहां पे एक्टिव आ जाए उसके बाद ही जाके सारी सेटिंग करिएगा। तो ओवरव्यू वाले टैब में आपको बताएगा चीजें, आप उसको डेवलपर मोड में कर सकते हो। अगर आपको कोई अटैक हो रहा है वेबसाइट पे तो अंदर अटैक मोड कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली ये बीच में ही सारा ट्रैफिक रोक देगा। एनालिटिक्स में ये बताएगा कि CloudFlare ने आपकी क्या क्या मदद करी, कितना ट्रैफिक इधर से उधर ट्रांसफर करा, तो वो सारी चीजें यहां पे मिल जाएंगी। DNS में जाएंगे तो जो DNS सेटिंग्स हैं आपकी, जो आप करते हो जहां से आप डोमेन लेते हो वहां पे, वो सारी यहां पे कर सकते हो। तो एक बार बस आपको नेम सर्वर इसका यहां पे लगाना है। अब GoDaddy की आपको जरूरत नहीं है, बस डोमेन यहां पे रखा रहेगा। अब पूरा डोमेन की जो सेटिंग है वो यहीं से होगी। तो यहां पे ये जो IP दिख रही है 290 वाली, ये हमारे जो है बिगरॉक वाले सर्वर की IP है। सो गाइस, मान लीजिए आपको फ्यूचर में आपका सर्वर चेंज करना है तो आपको नेम सर्वर ऐड नहीं करना है, क्योंकि एक बार आपने CloudFlare करा हुआ है। बस उसकी IP ले आइए, IP यहां पे रिप्लेस कर दीजिए जो भी IP नए सर्वर की है, ऑटोमेटिकली पूरी वेबसाइट 1 सेकंड के अंदर नए सर्वर पे ट्रांसफर हो जाएगी। अब बार बार आपको नेम सर्वर चेंज करने की जरूरत नहीं है, कनेक्शन बिठाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ CloudFlare के थ्रू जा रहा है। तो हम इसको बता सकते हैं कि भैया अब हमारी सर्वर की IP चेंज हो गई है, तो वो चेंज कर लो। तो जहां से भी आप होस्टिंग लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको नेम सर्वर भी बताते हैं और उसकी IP भी बताते हैं। तो बस आपको यहां पे IP चेंज करना है पुराने सर्वर की जगह नए सर्वर। अब गाइस, यहां पे क्रिप्टो करके एक ऑप्शन आएगा, यहां पे जाएंगे तो यहां पे ऑप्शन आएगा आपका SSL का, जो ये फ्री में SSL देगा। तो देखो, SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट होने में इसको 24 आवर लग सकते हैं अगर आपकी नई वेबसाइट है, तो थोड़ा वेट करिए जब तक यहां पे एक्टिव स्टेटस नहीं आ जाता। एक बार आ जाएगा तो यहां पे इसको फुल कर दीजिए। इससे होगा क्या कि आपकी वेबसाइट का जो भी ट्रैफिक आएगा वो SSL के अंदर HTTPS में कन्वर्ट होके जाएगा, और इसने आपको एक फ्री का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दिया। तो आपको कुछ सेटिंग नहीं करना है, ऑटोमेटिकली यहां पे सब कुछ मिल जाएगा। और थोड़ा नीचे आओगे तो बहुत सारी चीजें हैं, बाकी चीजें हमारी काम की नहीं है। बस एक चीज काम की कि ऑलवेज यूज HTTPS, तो जितनी भी रिक्वेस्ट HTTP में होंगी उसको फोर्स रीडायरेक्ट कर देगा HTTPS में। अगर इसको आप यस नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट HTTP में भी खुलेगी, S में भी खुलेगी। लेकिन अगर आप इसको यस करते हैं तो ऑटोमेटिकली जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है सारी HTTPS पे कन्वर्ट होके ही आपकी वेबसाइट पे जाएगी। देखो, अभी ये वेबसाइट HTTP पे खुली हुई है, इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली HTTPS में देखो कन्वर्ट हो गई। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, बस वहां पे एक यस का नो करना पड़ा और वहां थोड़ा वेट करना पड़ा सर्टिफिकेट का। अब मेरी वेबसाइट सिक्योर हो गई है, HTTPS हो गई है। अब मैं कोई भी लिंक खोलूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट के आगे भी आएगा HTTPS सिक्योर। तो इस तरीके से आप अगर ये पूरी प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपकी वेबसाइट को HTTPS बना सकते हैं इतनी इजीली। आपको कुछ कोडिंग नहीं करनी पड़ी, सब कुछ CloudFlare ने आपके लिए फ्री में करा है। उसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शन आते हैं, फटाफट देख लेते हैं क्या होता है। फायरवॉल में क्या होता है कि अगर आपको कुछ लिमिट्स लगानी है, किसी IP को ब्लॉक करना है आपकी वेबसाइट में, तो यहाँ पे उसकी IP लिख दीजिए, कंट्री नेम लिख दीजिए, ब्लॉक करना है, व्हाइटलिस्ट करना है या उसको चैलेंज करवाना है तो चैलेंज में कैप्चा आएगा आपकी वेबसाइट खुलते से। सो गाइस, अगर आपकी कोई वेबसाइट हैक कर रहा है, DDoS अटैक लगा रहा है, तो यहाँ पे उसकी IP लेके ब्लॉक कर दीजिए तो वो आपकी वेबसाइट तक विजिट नहीं कर पाएगा। तो वो आप फायरवॉल में कर सकते हैं। कुछ चीजें जो है यहाँ पे जो है पैसा देना पड़ता है, कुछ फ्री है। तो जो फ्री की चीजें वो अपन देख रहे हैं,
पैसे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादा एडवांस चीजें अपन को करना नहीं रहती है। अब अपन आते हैं स्पीड वाले सेक्शन पे, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो जावास्क्रिप्ट है, एचटीएमएल है, सीएसएस है, इसमें बहुत सारा स्पेस भी होगा, बीच में बहुत लंबी लंबी कोडिंग होगी, फालतू की चीजें होंगी। तो यहाँ पे देखिए कोई अगर हमको मिल जाए जावास्क्रिप्ट, तो अपन ने ओपन करा तो देखो ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पे बहुत सारे स्पेस आ रहा है, तो ये सारी जो चीजें इसको मिनिमाइज कर देगा, थोड़ा और कंप्रेस कर देगा। अगर यहाँ पे करते हो आप तो आपकी जो पेज स्पीड है बढ़ जाएगी, वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। उसके लिए यहाँ पे आपको सब दूर क्लिक करना पड़ेगा, तो एक एक करके आप तीनों जगह क्लिक कर दीजिए। अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट के अंदर जितने पेजेस हैं वो उसको जो है वो क्रॉल करेगा, उसके बाद जो इसकी सेटिंग्स हैं ये सारी जो है वो कंप्रेस कर देगा। तो आपकी वेबसाइट के कोड जो है कंप्रेस हो जाएगा, उससे आपकी पेज स्पीड बढ़ जाएगी, वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसको आप मिनिफाई कर सकते हैं सारी कोडिंग को। उसके नीचे जो ऑप्शन हैं ये सारे पेड हैं, तो हमको इस पर काम नहीं करना है। उसके बाद अगर आप कैचिंग्स पे जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई वर्डप्रेस की साइट नहीं है, अगर आपकी मैनुअल साइट है, आपने कुछ कोड आपने चेंज करा, तो यहाँ पे क्या होता है, ये कैश बना लेता है, तो आपके सर्वर तक रिक्वेस्ट नहीं जाती, इसके लेवल पे चलने देता है। लेकिन अगर आपने सर्वर में कुछ चेंज करा है तो उसको बताना पड़ता है कि भैया मैंने ये वाला पेज लिंक जो है वो चेंज कर दिया, वापस से क्रॉल करके कैश बना लो। उससे होगा ये कि अगर आप एडिटिंग कर रहे हो जावास्क्रिप्ट में तो ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे नहीं लाने देगा, क्योंकि उसका कैश बना हुआ है। तो आपको मैन्युअली बताना पड़ेगा कि भैया इस फाइल को मैंने एडिट किया है, वापस से कैश बना लो, मुझे फिर ये वेबसाइट को लाइव करवा दो। तो ऐसे कर करके आपको करना पड़ेगा, या फिर यहां पे एक ऑप्शन आता है पूरी वेबसाइट को ही आप कैचिंग कर लो वापस से, तो जितनी मैंने चेंजेस करें वो सारे चेंजेस वापस से हो जाएंगे यहां पे। तो ये चीज आप कर सकते हो कैचिंग पे। अब यहां पे कैचिंग लेवल भी है कैसा करना है, तो उसको स्टैंडर्ड रहने दीजिए। ब्राउजर कैश एक्सपायरेशन, ये जो जो डिफॉल्ट चीजें चल रही हैं वो चलने दीजिए, ज्यादा चीजें इसमें मत चेंज करिए क्योंकि ये डिफॉल्ट ही सही है। उसके बाद और भी ऑप्शंस आते हैं, वर्कर है, पेज रूल्स है, नेटवर्क्स हैं, तो ज्यादातर काम की चीजें नहीं है। जो काम की चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी कि क्या क्या आप चीजें कर सकते हैं। तो उसमें मेन चीजें वही है कि डीएनएस आप चीजें कर सकते हो, एसएसएल लगा सकते हो, फायरवॉल लगा सकते हो, और आपकी पेज की स्पीड बढ़ा सकते हो। और सबसे अच्छी बात, अगर आपकी 100 साइटें हैं तो 100 साइटें सबको यहां पर लिस्ट कर लो। अब आपको बार बार अलग अलग प्रोवाइडर के पास नहीं जाना है, आपने डोमेन कहां से लिया, क्या करा क्या नहीं करा, आपकी सारी होस्टिंग और डोमेन के बीच के कनेक्शन की सेटिंग वो सब आप यहीं से हो जाएगी। तो ये डीएनएस मैनेजमेंट आपका आसान हो जाएगा। अगर बहुत सारी आपकी वेबसाइटें हैं, बहुत सारी चीजें आपको करना रहती हैं, तो वो सारी चीजें क्लाउडफ्लेयर करेगा और फ्री फोकट में आपको एसएसएल मिल जाएगा आपकी साइट का, एचटीटीपी वाली साइट एचटीटीपीएस में कन्वर्ट हो जाएगी, और आपकी पेज स्पीड भी बढ़ जाएगी क्योंकि आपने कैचिंग कर दी। इससे होगा ये कि आपकी जो वेबसाइट है वो और जो है वो सिक्योर हो जाएगी, ऑप्टिमाइज हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, एचटीटीपीएस आ जाएगा तो सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी अगर आप क्लाउडफ्लेयर यूज करते हैं। और ये सारी चीजें फ्री है, फ्री का प्लान ही लीजिए, इसका पेड प्लान लेने की जरूरत नहीं है। मैं भी जितनी साइटें चलाता हूं सारी साइटें क्लाउडफ्लेयर के थ्रू चलाता हूं, इससे हमको बहुत अच्छी आसानी हो जाती है, सीडीएन बन जाते हैं, हमारे सर्वर तक इतनी रिक्वेस्ट नहीं जाती, साइट की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि ये अलग अलग सर्वर से वो जो फाइलें हैं कैचिंग वाली वो डायरेक्टली दे देता है, मुंबई से सीधा इंडिया में दे देगा, भले ही मेरा सर्वर जो है वो यूएसए में है। तो यहां पे बहुत सारी चीजें बच जाती हैं, हमारी साइट की स्पीड बढ़ जाती है, और अगर हमारी साइट बंद होती है तो ये अपने लेवल पे उसका जो है ऑफलाइन वर्जन भी दिखाता है, तो वो भी चीजें हमको फायदेमंद हो सकती है। तो इस तरीके से आप आपकी सारी साइटें क्लाउडफ्लेयर में कन्वर्ट कर लीजिए, और होस्टिंग डोमेन में जो आपको एक बार सेटिंग करनी है वो कर दीजिए नेम सर्वर वाली, उसके बाद आपकी पूरी वेबसाइट यहीं से आप मैनेज करिए, तो आपको इजी रहेगा सारी चीजें। और आपको हर होस्टिंग प्रोवाइडर है, हर डोमेन प्रोवाइडर पे जाके देखना नहीं पड़ेगा कि ये सेटिंग कहां है क्या नहीं है, यहां पे सारी चीजें फ्लैट है, जहां पे जो करना है सारी चीजें आप आसान से कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह ये पूरी सीरीज जो है वो खत्म होने जा रही है, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई या आपको सीखने को नहीं मिलेगा, चीजें बहुत सारी होती है। ये सीरीज भले ही खत्म हो रही है लेकिन ये आप लोगों के लिए स्टार्टिंग होना चाहिए, क्योंकि बेसिक सारी चीजें जो एक वेबसाइट बनाने के लिए चाहिए सारी चीजें बेसिक में मैंने आपको बता दिया। अभी आपके ऊपर है, आप उसको कैसे यूज करते हो, प्रैक्टिकल कैसे करते हो, एक्सपेरिमेंट कैसे करते हो, तो चीजें बहुत सारी होती हैं। तो जितनी चीजें हो सकती थी मैंने आपको बता दिया। अब ये जो है सीरीज खत्म हो रही है, लेकिन आपके अंदर एक आग होनी चाहिए जो कि अब जलना स्टार्ट होगी कि आपको ये सारी चीजें यूज करके जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपका करियर जो है इसके अंदर आपको बनाना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है पूरी सीरीज में कुछ भी चीजों से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। इसी तरह और नॉलेजेबल और ट्रस्टेड टॉपिक के लिए सिड टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।